हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 32 लेकर आई हूँ साइंस की। ठीक है बच्चों, इसमें आपको गति के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, चाल का ग्राफीय प्रदर्शन इसमें बताया हुआ है। गति और चाल का, एक समान चाल और असमान चाल के बारे में, गति के बारे में आपको बताया हुआ है और ग्राफ पे इसका प्रदर्शन करके बताया हुआ है। अब देखो बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया गया दूरी ग्राफ एक कार की गति दर्शाता है। ठीक है, इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें देखो, ग्राफ में कैसे दिया हुआ है, दूरी मीटर के हिसाब से दिया है, तो 10-10 मीटर का गैप है ग्राफ में। ग्राफ के हिसाब से बताना है ना, ग्राफ की गति के हिसाब से दर्शाना है। और सेकंड में देखो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6 सेकंड नीचे है, यानी कि जो हमारी दूरी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये है। दूसरा क्वेश्चन है, समान, एक समान एवं असमान चाल में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये है बच्चों, एक समान चाल, जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल पर तय करती है तो उसे समान चाल कहते हैं। असमान चाल क्या होती है, जब कोई वस्तु समान दूरी असमान समय के अंतराल में तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, एक समान चाल की दूरी समय ग्राफ पर सीधी रेखा होती है और असमान चाल का दूरी समय ग्राफ एक वक्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति निम्न अवस्थाओं में उसका दूरी ग्राफ बनाइए। तो बच्चों दो अवस्थाएं दे रखी है, पहला है वस्तु विराम अवस्था में, ठीक है, और दूसरा है असमान चाल की गति, दूसरा है असमान चाल से गतिशील वस्तु। ठीक, तो दोनों ग्राफ मैंने आपको बता रखे हैं बना के, और ये आपके वर्कशीट में भी बने हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। आंसर है, दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल को दर्शाता है। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उतनी ही चाल अधिक होगी। इस वर्कशीट में 5 ही क्वेश्चन थे। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।